लॉरेंस बिश्नोई नहीं, क्या सचिन बिश्नोई है असली मास्टरमाइंड? कौन है ये सचिन बिश्नोई जिस पर है शक की सुई? क्या सचिन बिश्नोई की होगी गिरफ्तारी? कौन है वो आठ शार्प शूटर जिसने रची ये साजिश? क्या मूसा वाले की मौत से उठने वाले हैं राज? मूसा वाले की मर्डर मिस्ट्री में नया ट्विस्ट आ गया है जिसने मूसा वाले की मौत के राज को और भी गहरा दिया है। वो राज क्या है और कौन है सचिन बिश्नोई जो मूसा वाले की मौत की मिस्ट्री सुलझा सकता है? आगे बताएंगे आपको, मगर उससे पहले इन शार्प शूटरों से मिलिए। सवाल ये कि क्या ये वही आठ शार्प शूटर हैं जिन्होंने मूसा वाले को मौत की नींद सुला दिया? मूसा वाले की हत्या को लेकर पुलिस कड़ी दर कड़ी तफ्तीश में जुटी है और दावा किया जा रहा है कि इन आठ शार्प शूटर ने मूसा वाले की जिंदगी की डोर को हमेशा हमेशा के लिए काट दिया। आपको बता दें कि पुलिस के खुफिया तंत्र ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। आठ कुख्यात गैंगस्टर की पहचान कर ली गई है। आखिर कौन है वो आठ शार्प शूटर्स जिन्होंने मूसा वाले को मौत के घाट उतारा है? सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है अब वो भी देखिए। इसमें सबसे पहली पहचान प्रियव्रत फौजी की हुई है, जिसके लिए हरियाणा पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा था। एक शूटर की पहचान सुभाष विनोद के रूप में हुई है। दूसरा शार्प शूटर संतोष जाटव बताया जा रहा है, जबकि तीसरा शार्प शूटर का नाम सौरभ है। वहीं चौथा शार्प शूटर मनजीत उर्फ मनीन पंजाब के अमृतसर का रहने वाला बताया जा रहा है। पांचवा शूटर हरकमल है और सातवां शूटर जगरूप सिंह रूपा है और आठवां शूटर मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुन आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि एक पत्रकार और मूसा वाले के हत्यारे की बातों का दावा किया जा रहा है। इस बातचीत में आरोपी खुलेआम अपने गुनाह को और उसके पीछे की साजिश से पर्दा उठा रहा है। बताया जा रहा है कि मूसा वाले को क्यों मारा और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर धुएं की तरह वायरल भी हो रहा है, लेकिन उस चिंगारी की फनक पंजाब पुलिस को क्यों नहीं है, ये अपने आप में सवाल है। सवाल ये कि ये सचिन बिश्नोई है कौन और इसका मूसा वाले से क्या लेना देना? शक तो लॉरेंस बिश्नोई पर है, तो फिर ये सचिन कौन है? तो जान लीजिए, सचिन लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है। सचिन बिश्नोई दावा करता है कि वो फजिलका के उसी गांव का रहने वाला है जहां का लॉरेंस बिश्नोई है। उसने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है। सचिन ये भी दावा करता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को अपना आदर्श मानता है। उसने टीवी चैनल के पत्रकार को ये भी बताया कि उसने खुद अपने हाथों से मूसा वाले को गोली मारी थी। सचिन बिश्नोई ने जो दावा किया है अब वो भी सुनिए। हमने मोहाली में हुए विक्की मंडूखेड़ा, जो कि हम सबका भाई था, उसके मर्डर का बदला लिया है। ये मर्डर पब्लिसिटी स्टंट या फिरौती जैसा मामला नहीं था, बल्कि ये थी बदले की आग जो शायद आज बुझ गई। ये बात जग जाहिर है कि मेरे भाई की हत्या में मूसा वाले का हाथ था, जिसको हम लोगों ने तड़पा तड़पा के मौत के हवाले कर दिया। सचिन बिश्नोई खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बताता है और गोल्डी बरार को बड़ा भाई, और कहता है कि गोल्डी बरार के बड़े भाई की हत्या के पीछे मूसा वाला शामिल था। लेकिन सवाल इस वक्त ये भी गूंज रहा है कि क्या वाकई सचिन बिश्नोई सच बोल रहा है, या फिर गुनाहों की दुनिया में अपना सिक्का चलाने के लिए इस तरह के फर्जी दावे किए जा रहे हैं। खैर, सच क्या है और क्या झूठ है ये तो तभी साफ हो पाएगा जब सचिन बिश्नोई पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।